क्वेश्चन नंबर टू, अ जनरेटर डेवलप्स 250 वोल्ट एंड हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। ये हो गया आपका जनरेटर। ये हो गया वोल्टेज। ये हो गया आपका सोर्स रेजिस्टेंस दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये हो गया दैट इज लोड रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 100 ओम। और ये हो गया आपका सोर्स वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अगर हम परसेंटेज की बात करें, इनपुट मतलब यहां से अंदर से पावर कितनी जा रही है, मतलब ये हो गया इनपुट पावर दैट इज पी इनपुट। और आउटपुट पावर मतलब इसमें जो पावर आपकी आउटपुट जा रही है दैट इज पी आउटपुट। तो अगर हम यहां पे एक करंट एज्यूम कर लें दैट इज आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इज 250 अपॉन 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 250 अपॉन 200 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। अब अगर हम इनपुट पावर की बात करें, मतलब यहां से इनपुट पावर, तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई दैट इज इक्वल टू 250 इंटू 250 अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 250 स्क्वायर बाय 200 वॉट, इनपुट पावर हो गया। वहीं अगर हम आउटपुट पावर की बात करें तो दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर बोल सकते हैं, दैट इज आउटपुट पावर दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एल। आई स्क्वायर मतलब दैट इज 250 बाय 200 का स्क्वायर इंटू आर एल दैट इज 100। तो ये हो जाएगा दैट इज 250 स्क्वायर अपॉन 200 स्क्वायर। अब तो सिंपल है। अब अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी इक्वल टू जगह दैट इज आउटपुट पावर दैट इज 250 अपॉन 200 स्क्वायर इनटू 100 अपॉन 250 स्क्वायर अपॉन 200। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हो जाएगा दैट इज इनटू 100, कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 250 स्क्वायर 250 स्क्वायर 200 200 दैट इज 100 अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 0.5 दैट इज इक्वल टू, यहां पे भी हो जाएगा दैट इज 50%, दैट इज 50%। सो 50% इज अ करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन वैसे तो इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सी बात थी। ये था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में कहा जाता है कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर है, और यहां दिख भी रहा है देखो आर एल इक्वल टू आर एस, तो जब लोड रेजिस्टेंस आपका सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। उस कंडीशन में जो आउटपुट दैट इज एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी 50%। तो डायरेक्टली हम आंसर भी बता सकते थे दैट इज 50%। सो आंसर इज 50%, दैट इज ऑप्शन बी।